एक्सपोनेंट्स एंड पावर फॉर्मूला, ठीक है। एक्सपोनेंट समझ लीजिए, एक्सपोनेंट वो नंबर होता है जब किसी भी नंबर के ऊपर वो डिसाइड करता है कि कितने बार वो खुद नंबर कितने बार मल्टीप्लाई खुद से होगा, तो वो नंबर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे कि 2 है और 2 पर पावर 5 है, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जीरो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, चलिए मैं बताता हूं, ठीक है। जीरो एक्सपोनेंट, तो सपोज ए पर पावर जीरो है तो इसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा, ठीक है। ए पर पावर अगर जीरो है तो वैल्यू क्या होगा, वन होगा। सपोज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, किसी जैसे टू है, टू पर पावर जीरो है तो इसका वैल्यू किसी भी नंबर पर जो पावर होगा जीरो होगा तो उसका वैल्यू वन होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, जैसे थ्री पर पावर जीरो डाल देते हैं तो इसका वैल्यू वन होगा, तो किसी पे किसी भी नंबर पे के जो पावर होगा जीरो होगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो वन होगा। किसी भी नंबर पर जो एक्सपोनेंट होगा जीरो होगा तो उसका जो वैल्यू होगा वन होगा। इसके बाद जो आता है वो आता है वन एक्सपोनेंट, ठीक है, वन एक्सपोनेंट्स, ठीक है। वन एक्सपोनेंट में क्या होता है, किसी भी नंबर पे अगर पावर वन होता है तो ये क्या होगा, नंबर ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, टू टू द पावर वन है तो इसका जो वैल्यू होगा टू होगा, अगर थ्री पर पावर वन होगा तो होगा थ्री होगा, तो ये हो गया एक्सपोनेंट, ये होगा जीरो एक्सपोनेंट और ये हो गया वन एक्सपोनेंट। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दूसरे पे, दूसरा कौन सा है, दूसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट या प्रोडक्ट ऑफ पावर या प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट कर सकते हैं या मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब यहां पे मैं बताता हूं, सपोज ए पर पावर एम है मल्टीप्लाई पे ए पर पावर एन है, इसको हम लिखते हैं ए पर पावर एम प्लस एन, इसमें क्या है, ये दोनों बेस है तो इसको हम कह सकते हैं सेम बेस, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं इसका, सपोज टू टू द पावर थ्री है मल्टीप्लाई टू टू द पावर टू है, इसको हम लिख सकते हैं 2 डी पावर 3 प्लस 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 टू डी पावर 5, ठीक है, इस प्रकार से। और एग्जांपल लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 3 पर पावर 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 पर पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 प्लस 4 इसका टू 3 टू पावर 7, ठीक है। ये हो गया सेम बेस, अगर बेस सेम है, अगर ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है तब हम उसका जो पावर हो उसको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। अगर पावर सेम पावर पे, ठीक है, पहले तो सेम बेस अब है सेम पावर, सपोज ए पर पावर एम है, ठीक है, मल्टीप्लाई बी पर पावर एम है तो इसका क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी पावर एम। एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज ए क्या है, टू है, टू पर पावर टू है, ठीक है, मल्टीप्लाई थ्री पर पावर टू है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पर पावर टू, यानी कि हो गया 5 पर पावर सॉरी 6 पर पावर 2, ठीक है।
तो इस प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4 पर पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 पर पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, 4 × 5 = 20 पावर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर पावर सेम हो तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अगर बेस सेम हो तो हम दूसरे प्रकार से निकाल सकते हैं, पावर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या है? डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट, डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट में भी सेम होता है जैसे मल्टीप्लीकेशन में भी दो पार्ट होते हैं इसके, सेम पावर और सेम बेस। अब पहले देखते हैं सेम बेस, अगर बेस सेम हो तब सपोज ए पर पावर एम है डिवाइड बाय बी पर पावर एम है तब सेम बेस। ठीक है, सॉरी, सेम बेस ए पर पावर एम है और डिफरेंट, ठीक है, तब क्या होगा? ए पर पावर एम माइनस एन होगा। ठीक है, अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर में माइनस हो जाता है, एम माइनस एन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ए पर ए क्या है 2 है और इसका पावर 3 है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पर पावर एन 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 द पावर 3 माइनस 2 यानी कि 2 डी पावर 1। अब 2 डी पावर 1 तो 1 जो वन एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस, जो बेस वैल्यू है वही हो जाता है, तो यानी कि 2। ठीक है, अब इस प्रकार से हम सेम सेम पावर लेके चलते हैं, सेम पावर लेते हैं। ठीक है, ए पर पावर एम डिवाइड बाय और बेस डिफरेंट होगा बी पर पावर एम, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डिवाइड बाय बी पावर एम। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, ए इजकल टू 4, एम पर पावर एम इजकल टू 2। ठीक है, डिवाइड बाय बी इजकल टू 2 और पावर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 और पावर हो जाए 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 इजकल टू 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट, इससे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद आता है एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, पावर पर पावर। क्या? एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर पर पावर। ठीक है, अब सपोज ए टू डी पावर एम है और इसका होल पावर क्या है, पी है, तो हम इसको क्या लिख सकते, होता है फॉर्मूला इसका ए एम इंटू पी। ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते ए पर पावर एम पी। ठीक है, एग्जांपल में ले लेता हूं, सपोज इसका एग्जांपल ए इजकल टू 3 है और एम इजकल टू 2। ठीक है, और इसका होल पावर 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, पावर पी इजकल टू 3 है, तो इसका क्या हम लिख सकते हैं, ए 3। ठीक है, और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से पावर का पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। कौन सा एक्सपोनेंट? नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्या फॉर्मूला है? सपोज ए पर पावर माइनस एन है। ठीक है, ए पर पावर माइनस एन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय ए पर पावर एन। ठीक है, 1 बाय ए पर पावर एन। एग्जांपल मैं लिख के बताता हूं आपको, जैसे 3 पर पावर माइनस 2 है। ठीक है, 3 पर पावर माइनस 2, तो इसको लिख सकता हूं 1 बाय 3
पर पावर टू। एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ आपको। सपोज 2/3 के पावर -2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 पर पावर 2। ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसके बाद आता है फ्रैक्शन एक्सपोनेंट। फ्रैक्शन एक्सपोनेंट इसमें क्या होता है, अगर a पर पावर p/q है, a पर पावर p/q है, तो आप इसको लिख सकते हैं q रूट a पर पावर p। अब इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। सपोज 2^4/3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3√2^4। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक और है, एक और फार्मूला आता है, मैं वही फार्मूला बताता हूँ। अगर a पर पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हैं a डिवाइड बाय, ये हो जाएगा n। इसको इसका वाइस वर्सा, नेगेटिव का वाइस वर्सा है। ठीक है, अगर रूट a है, तो इसको आप लिख सकते हैं a 1/2 फ्रैक्शन, ये भी है। या a पर पावर 1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट a। एक्सपोनेंट ऑफ नंबर, ठीक है, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर हो, तो क्या फॉर्मूला होगा। सपोज -1 है और इसके पावर जो है ना इवन नंबर है, इवन नंबर हो, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ठीक है, और -1 यहां पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर, तो इसका जो वैल्यू होगा -1 होगा। ठीक है, अगर ये माइनस में लिखा हुआ है और इसका जो पावर है इवन नंबर होगा तो 1 होगा, और अगर ये माइनस में ऑड नंबर होगा तो माइनस में होगा, सॉरी इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस में होगा। ठीक है, ये लास्ट फार्मूला था एक्सपोनेंट और पावर के फार्मूले के लिए। ठीक है, एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं।